हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? ऑल गुड। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं अपना स्लोगन बोल देता हूँ ना, जो मैं जनरली बोलता हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube फैमिली मैजिकल एजुकेशन में, और मैं आपका दोस्त कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। सो फ्रेंड्स, तो आज का जो लेसन है, ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, तो वो पहले आप सुन लो, देन हम लोग इस लेसन पे आते हैं। आपका 2 मिनट लगेगा, ठीक है? तो फ्रेंड्स, अभी आप यहाँ पर मेरे बहुत सारे कोर्स देखते हो, बहुत सारे लेसन पढ़ते हो, कई एग्जाम से रिलेटेड मेरे लेसन आते हैं। अगर आप और भी बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारे लेसन देखना चाहते हो, तो आप उसके लिए मुझे अन अकेडमी पे फॉलो कर लीजिए। मेरी लिंक जो है, प्रोफाइल लिंक और जो कोर्सेज मैंने वहां बना रखे हैं, सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो एक बार जाकर उसको विजिट जरूर कीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि कौन कौन से लेसन वहां पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं और आप वो सारे देख सकते हैं। और खास करके मैं IITians के लिए बोल देता हूँ कि मैंने JEE का कोर्स ऑलरेडी वहां बना रखा है अपने चैनल पे, यहाँ पे आपके लिए। तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? इवन जब आप ये वीडियो देख रहे हो, तो हो सकता है वो स्टार्ट हो जाए, लेकिन वहां पर मैंने ऑलरेडी कोर्स बना रखा है, ऑलरेडी मैंने बहुत सारे लेसन पढ़ा रखे हैं। सारी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हो। तो IITs के लिए स्पेशली जो फिजिक्स मेरी स्पेशलिटी है, उसमें मैंने कई सारे लेसन बना रखे हैं। तो एक बार जाके उसको चेकआउट कीजिए, उसको देखिए, और आई होप कि आपको वो लेसन पसंद आएंगे। और कहीं से भी कोई भी डाउट होता है तो कमेंट कर सकते हो, आप वहां पे भी कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो, डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हो, और इस तरीके से आप लेसन देख सकते हो ना। तो चलिए, अब ये वाला लेसन स्टार्ट करते हैं आज, जिसके लिए बेसिकली आप आए हो, और आगे पढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम सोनाली, और आज का वीडियो है सीटेट पेपर फर्स्ट क्लास 1 to 5 हिंदी भाषा सेकंड भाग 5। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। इस पेपर में 121 to 127 प्रश्न होंगे, जो कि इसी गद्यांश से पूछे जाएंगे। तो चलिए पहले हम ये गद्यांश पढ़ लेते हैं। बारिश के लिहाज से वह साल ठंड गोपाल था, खेतों में जैसे तैसे धान रोक दिया गया था, लेकिन तेज धूप ने उसे झुलसा डाला था। सावन सिर पर था और बादल लापता कि तभी एक उमड़ती हुई रात में बिजली कड़कने से नींद खुली। थोड़ी देर में झिसिया पड़ने लगी, चारपाइयां आंगन से उठकर भीतर आ गए, मतलब बारिश होने लगी थी, लेकिन हवा गुम थी और गर्मी जो की तो। लिहाजा वह रात जगह में बीती, मतलब उस रात में सब जागते ही रहे। सुबह हुई तो धान बच जाने को लेकर ऊपर वाले को शुक्रिया अदा करते लोग दिखे। बरसात रात वाली रफ्तार से ही जारी रही, न उसमें धीमी न तेज। आसमान समतल और तकरीबन सफेद था, बादल बीच बीच में जरा से गुर्रा कर खामोश हो जा रहे थे, मतलब बिजली कड़क रही थी। स्कूल का टाइम हुआ तो हम जैसे ढीलों ने एक तरफा तौर पर रेनी डे मनाने का फैसला कर लिया, जबकि पढ़ाकुओं ने बस्ता लादा और सुपरिचित रास्ते पर बढ़ चले। थके हारे पड़वे शाम को लौटे तो उनकी हालत कटे खेत में पानी भरने पर भागे चूहे जैसी थी। बारिश से बुरी तरह उबकर हम सोए इस उम्मीद से कि कल नीला आकाश देखने को मिलेगा। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बारिश के लिहाज से वह साल ठंडन गोपाल था, और इसके ऑप्शंस है, अकाल के कारण पैसे नहीं था, पढ़ाई नहीं कर पाते थे, बारिश नहीं हुई थी, या बहुत बारिश हुई थी। तो इसका राइट आंसर है बारिश नहीं हुई थी, यानी ऑप्शन थर्ड। सावन सिर पर था, इस कथन का आशय है सावन आने वाला था, या सावन आ चुका था, सावन सूखा था, या फिर दूर था। तो इसका सही ऑप्शन है 22 का सही ऑप्शन है 2, सावन आ चुका था। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि अगले दिन तेज बारिश में रेनी डे मनाया जाता है, लोग बारिश होने से खुश थे, लोग बारिश के न होने से परेशान थे, या लोग तेज बारिश के न होने से खुश थे। तो 123 का आंसर है सेकंड ऑप्शन, लोग बारिश होने से खुश थे। जीसिया शब्द का भाव है तेज बूंदाबांदी, बहुत हल्की बूंदाबांदी, मूसलाधार बारिश या तेज फुहारे। जीसियो का मतलब है ना बहुत ज्यादा बारिश ना बहुत कम, तेज एक हल्की फुल्की बूंदाबांदी। तो इसका राइट ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन, बहुत हल्की बूंदाबांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। हम जैसे ढीलों ने एक तरफा तौर पर रेनी डे मनाने का फैसला किया, वाक्य में लेखक ने अपनी किसी विशेषता को बताया है। तो इसका
आंसर देखे, ऑप्शन देखते हैं। हर्षोल्लास से त्योहार मनाने वाले, दिमाग से कमजोर, बारिश का मजा लेने वाले, या पढ़ाई में पिछड़े। तो इसका सही ऑप्शन है फोर्थ, पढ़ाई में पिछड़े। ये लोगों ने रेनी डे मनाने का सोचा था। किन लोगों ने रेनी डे नहीं मनाया? जो डरपोक थे, जो भीगना नहीं चाहते थे, जो बारिश से बसे थे, या जो पढ़ाकू थे। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फोर, जो पढ़ाकू थे, क्योंकि ये लोग पढ़ने गए थे। सावन सिर पर था और बादल लापता, कौन सा वाक्य है? मिश्रवाक, संयुक्त, संकेत वाचक, या सरल? तो फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड, संयुक्त वाक्य। भाषा शिक्षण के संबंध में बाल साहित्य का उद्देश्य है बच्चों को भाषा के नियम की जानकारी देना, बच्चों को उत्साहित पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों को साहित्यिक विधाओं से परिचित करवाना, या बच्चों को जीवन कौशल सिखाना। तो फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन टू, बच्चों को उत्साहित पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है, व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है, पाठ के संदर्भ में व्याकरण जानना जरूरी नहीं है, व्याकरण और संदर्भ दोनों अलग है, व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तक में नहीं होता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन फोर, व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तक में नहीं होता है। बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है कहानी में गूंथे हुए नैतिक मूल्यों के आधार पर, कहानी से मिलने वाले ज्ञान विज्ञान की जानकारी के द्वारा, कहानी से मिलने वाले सीख के द्वारा, या कहानी कहने के तरीके से द्वारा। तो फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड, कहानी से मिलने वाली सीख के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन लड़के लड़कियों का अलग अलग किया जा रहा हो, अनिवार्यतः औपचारिक रूप से किया जा रहा हो, नियमित रूप से किया जा रहा हो, या प्रतिदिन प्रत्येक बच्चों का किया जा रहा हो। तो फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन थ्री, नियमित रूप से किया जा रहा हो। सुरभि किसी भी ऐसे शब्द का विशेष रूप विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिसमें दो से अधिक बार त की आवृत्ति होती है, तो आप उसे क्या कहेंगे? ऐसे शब्द को बार बार सुनने के लिए कहेंगे, या बोलते समय स्वर ध्यान न देने के लिए कहेंगे, या तो वाले शब्दों को बार बार उच्चारण करवाएंगे, या ऐसे शब्द का विकल्प ढूंढ कर देंगे? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है बोलते समय स्वर ध्यान न देने के लिए कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक है नाटक का मंच, वीडियोग्राफी, लिखित परीक्षा, या पोर्टफोलियो? तो फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन है नाटक का मंच, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि तुम्हें डालिया भरकर आम दे दी जाए तो तुम क्या करोगी? इसका उद्देश्य है बच्चों की मौखिक परिचय लेना, बच्चों को गणित की ओर प्रवृत्त करना, बच्चों को नए शब्दों से परिचित कराना, बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना। तो फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन फोर, बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना। अकेडमी सत्र शुरू होने के 2 माह बाद तक भी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भाषा की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती थी, ऐसी स्थिति में शिक्षक क्या करेंगे? ऑप्शंस देख लेते हैं। भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करेंगे, श्रवण और वाचन कौशल का अभ्यास करवाते रहेंगे, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक अपने आप खरीदने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, या पाठ्य पुस्तक के उपलब्ध होने तक पाठन की प्रक्रिया आरंभ ना करवाएंगे? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भाषा शून्य में विकसित नहीं होती, इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए क्या अनिवार्य है? सामाजिक अंतर प्रक्रिया, विद्यालय की पढ़ाई लिखाई, भाषा प्रयोगशाला, या पारिवारिक संवाद? तो फ्रेंड, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन वन, सामाजिक अंतर क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है बच्चों को अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना, सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना, मातृभाषा की लिपि की पहचान कराना, या व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करवाना? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड, सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सी कथन सही है? सभी भाषाई कौशल सही विकास होते हैं, सभी भाषाई कौशल पाठ्य पुस्तक से ही विकसित होते हैं, कोई भी भाषाई कौशल संबंधित नहीं है, सभी भाषाएं कौशल अंतर संबंधित हैं। फ्रेंड, इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, सभी भाषाएं कौशल अंतर संबंधित हैं। पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। कहानी पर आधारित व्याकरण समझना, कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना, कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना, कहानी का अंत बदलाव देना। तो फ्रेंड, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 1, कहानी पर आधारित व्याकरण समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और वचन की शुद्धि पहचान करना, भाषा वाद विवाद और कविता पाठ में भाग लेना, भाषा को अपने परिवेश और अनुभव को समझने का माध्यम बनाना, या गणित के पाठ्यक्रम के अनुसार हिंदी में संख्याएं जानना। तो फ्रेंड, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 3, भाषा को अपने परिवेश और अनुभव को समझने का माध्यम मानना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है, निम्नलिखित में से शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा होगा? किसी शब्द का अर्थ जानना, किसी शब्द का समानार्थी शब्द जानना, किसी शब्द की सही वर्तनी जानना, या अक्षरों वर्णों का क्रम जानना। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 4, अक्षरों वर्णों का क्रम जानना। नेक्स्ट पे आते हैं, जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वो साथ साथ परीक्षा की तैयारी भी करते हैं, केवल अवधारणा ही बना पाते हैं, केवल विषय ही पढ़ते हैं या साथ साथ भाषा भी सीखते हैं? तो फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 4, साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, तो फ्रेंड्स अब है 143 to 150 तक के क्वेश्चंस इस गद्यांश से पूछे जाएंगे। तो चलिए पहले हम इस गद्यांश को पढ़ लेते हैं। हमें स्वतंत्र हुए 15 वर्षीय हुए थे कि पड़ोसी चीन ने हमारी पीठ पर छुरा भोंक दिया। उत्तरी सीमा की सफेद बर्फीली चोटियां शहीदों के खून से सनकर लाल हो गई। हजारों माओं की गोद सुनी हो गई, हजारों की मांग की सिंदूर पुछ गया या मिट गया, और लाखों अभागवे बच्चे पिता के प्यार से वंचित हो गए। गणतंत्र दिवस निकट आ रहा था और देश का हौसला पस्त था, कोई उमंग नहीं रह गई थी पर्व मनाने की। तब यह सोचा गया कि जाने माने फिल्म हस्तियां आयोजन में शामिल हो जाएं तो भीड़ उमड़ेगी, वहां कोई ऐसी गीत प्रस्तुत हो जो लोगों के दिल को छूकर उन्हें झकझोर सके। चुनौती फिल्म जगत तक पहुंच गई। एक नौजवान गीतकार प्रतीक ने चुनौती को स्वीकार करने का मन बनाया और गीत लिखना शुरू कर दिया, लेकिन सुर और स्वर के बिना गीत का क्या? प्रदीप संगीत निर्देशक श्री रामचंद्र के पास पहुंचे, उन्हें गीत पसंद आया और रक्षा मंत्रालय को सूचना दे दी गई। 26 जनवरी का शुभ दिन आ गया, लाखों की भीड़ बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थी। तब तक जो धुन बज रही थी वह हटी और थोड़ी देर शांति रही, तभी उस शांति को चीरता हुआ लता मंगेशकर का वेदना और चुनौती भरा स्वर सुनाई पड़ा। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, ये बहुत ही फेमस संगीत है। समय जैसे थम सा गया, सभी के मन में एक ही भाव, एक ही रस में डूब गए। गीत समाप्त हुआ तो लगभग 2 लाख लोग सिसक रहे थे आंसू से कि थमते ही न थे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। ए मेरे वतन के लोगों, गीत के बारे में क्या सच नहीं है? श्री रामचंद्र ने संगीत दिया, लता मंगेशकर ने स्वर दिया, प्रदीप ने लिखा या मन्ना डे ने सुर दिया? तो जैसे गद्यांश में लिखा है कि श्री रामचंद्र ने इसे संगीत दिया है, लता मंगेशकर ने इस संगीत को गाया है, प्रदीप ने लिखा है और मन्ना डे ने इसे सुर नहीं दिया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में 26 जनवरी का पर्व मनाने की उमंग न रहने का कारण था रक्षा मंत्रालय की अनिच्छा, चीन का दबाव, हजारों युवकों का शहीद होना, या सैनिकों के द्वारा मार्च पोस्ट से इनकार कर देना? तो फ्रेंड, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 3, हजारों युवकों का शहीद होना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, रक्षा मंत्रालय को क्या सूचना दी गई होगी? गीत प्रस्तुत करने की चुनौती स्वीकार है, प्रदीप और
सी रामचंद्र भी दिल्ली आएंगे, 26 जनवरी का पर्व मनाया जाएगा या फिल्म में हस्तियां भी भाग लेंगी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन वन, गीत प्रस्तुत करने की चुनौती स्वीकार है। पीठ में छोरा भोगने का अर्थ क्या है, विश्वासघात करना, पराजित करना, युद्ध में घायल होना या आक्रमण करना। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, विश्वासघात करना। जानी मानी फिल्म हस्ती को भुलाने का निर्णय क्यों लिया गया था, लता मंगेशकर का गीत सुनने के लिए, शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए, गणतंत्र दिवस मनाने के लिए या भीड़ जुटाने के लिए। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर, भीड़ जुटाने के लिए। मांग का सिंदूर पूछ जाना मुहावरे का अर्थ क्या है, पूछ जाना मतलब मिट जाना, मतलब योगिनी हो जाना, अभागिनी हो जाना, अनाथ हो जाना या विधवा हो जाना। तो फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फोर, विधवा हो जाना। देश का हौसला पस्त था क्योंकि कोई उमंग शेष नहीं थी, फिल्म हस्तियां साथ नहीं दे रही थी, चीन से मात खा गई थी या तैयारियां नहीं की गई थी। तो फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन है कोई उमंग शेष नहीं था, उसलिए देश का हौसला पस्त था। उमड़ना क्रिया का कौन सा प्रयोग ठीक नहीं है, दूध उमड़ने लगा, आंसू उमड़ चले, भीड़ उमड़ पड़ी या नदी उमड़ आई। तो फ्रेंड इसका भी ऑप्शन फर्स्ट ही राइट होगा, उमड़ना क्रिया का कौन सा प्रयोग ठीक नहीं है, तो दूध उमड़ने लगा ये क्रिया का प्रयोग ठीक नहीं है। सो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सी यू।